आज हम आपके साथ मैंगो स्कॉच की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंगो का सीजन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिंधी आम लिए हुए हैं। हम एक किलो आम का मैंगो स्कॉच बनाएंगे। यहाँ पे एक किलो आम लेंगे हम, एक किलो चीनी लेंगे, ऑर्डिनरी सॉल्ट लेंगे हम। आप इसमें चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 6 टीस्पून हम इसमें लेमन का जूस ऐड करेंगे। तो आइए हम मैंगो को पील करके इसकी क्यूब्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मैंगो के क्यूब्स कर लिए हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे और अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारा मैंगो इसमें जग में डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारी मैंगो प्यूरी तैयार है। आइए हम अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। चीनी ऐड कर दी हमने, यहाँ पे हमने 1 किलो पानी ऐड कर दिया। हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसमें चीनी सारी डिजॉल्व हो जाए। ये देखिए हमारी चीनी सारी डिजॉल्व हो गई है। हम थोड़ा सा इसे थिक करेंगे, लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये ठीक हो गया। हम अब इसमें अपनी मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे। इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा। यहाँ पे आप हम थोड़ा सा इसमें ऑर्डिनरी नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं 1 पिंच जो है वो टाटरी ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि मैंगो प्यूरी ख़राब नहीं होगी। आप इसे 2-3 हफ्ते के लिए फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में स्टॉक कर सकते हैं 2-3 हफ्तों के लिए। आप इसे अच्छी तरह पका लीजिए 2 से 3 मिनट तक। ये देख सकते हैं मैंगो स्कॉच हमारा तैयार है। हम इसे 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं। मुझे इस रेसिपी का ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मज़ेदार सा मैंगो स्कॉच तैयार है। स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।